बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। प्रदेश की नदियों में उफान जारी है। कोसी सीमांचल क्षेत्र की नदियों का भी जलस्तर अब बढ़ता जा रहा है और बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बाढ़ की दस्तक ने लोगों का जनजीवन प्रभावित किया है। सुपौल में कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और लोगों के घर नदी में विलीन होने लगे हैं। किशनपुर के मोजहा पंचायत के 3 वार्ड में कोसी का तांडव जारी है। बीते 1 सप्ताह पूर्व कोसी नदी का जलस्तर 2.5 लाख के करीब पहुंच गया था। इसके बाद नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। बीते 1 सप्ताह से ही कोसी नदी के मुहाने पर बसा मोजहा पंचायत के 3 वार्ड में कटाव जारी है। वार्ड नंबर 1, 2 और 4 में बसे करीब 1 दर्जन लोगों का घर नदी में विलीन हो गया है। पीड़ित परिवार ऊंचे स्थल पर शरण लेने लगे हैं। वहीं लोगों का उपजाऊ जमीन भी नदी में समा रहा है। बताया जा रहा है कि पंचायत के 3 दर्जन परिवार का करीब 60 से 70 घर कटाव की जद में है। ये लोग अपने अपने घर को तोड़ने लगे हैं। लोग घर से आश्रम का सभी सामान निकालकर ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। लोग बच्चे व अन्य घरों को उठाकर ऊंचे स्थल पर ले गए हैं। और पूर्णिया में भी नदियों का जलस्तर बढ़ा है। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश होने और वाटर डिस्चार्ज के कारण अमौर प्रखंड क्षेत्र के नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ का संकट गहरा गया है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।